उठो चराग उठाओ के आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। गलत शबनम दीदी, ऐसे नहीं ऐसे। बहुत गुस्सा आ रहा था ना, बात भी नहीं करोगी। मैं जानती हूँ मीना कि तुम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हो, लेकिन तुमसे किसने कहा कि तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती? आपने ही तो कहा। हाँ, लेकिन हमारी इस प्रतियोगिता में हम सभी लोग दूसरी तरह से शामिल हैं। जैसे कराटे में लड़ाई मन और शरीर पर जीत की है, वैसे ही हमारी इस प्रतियोगिता में जीत इस बात पर होगी कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और इनाम? इनाम? मीना, बहुत से लोगों तक अपनी बात अब तक नहीं पहुंची है। कितने ही बच्चे जानकारी ना होने की वजह से मर जाते हैं, बीमार रहते हैं। ये खेल उन सब लोगों को सही बात बताने का है। इनाम तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। सच तो ये है, मैं, कमला, नर्स बहन जी, सरपंच जी और हमारे मास्टर जी, हम सभी इस प्रतियोगिता का हिस्सा हैं। लेकिन हमारी जीत और इनाम ये है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस खेल में शामिल करके उन्हें अच्छी बात बताते हैं। अब तू बता, तुझे उस तरफ से खेलना है या हमारी तरफ से? आपकी तरफ से दीदी। पता है, तू साथ होगी तो हमारी जीत जरूर होगी। मुझे भी मालूम है, बाबा भी कहते हैं जीत इनाम में नहीं भाग लेने में है। बिल्कुल। अब देख, कराटे में सबसे बड़ी जीत है शरीर और मन का तालमेल। शरीर मन की सुने, सिर्फ मन की। हम अपने मन को संकेत देते हैं, मन शरीर को, और शरीर मन का कहना मानता है और समस्या हल हो जाती है। समझी? हाँ दीदी, जितनी अच्छी तरह से हम लोगों को अपनी बात कहेंगे वो उतनी अच्छी तरह से बात समझेंगे, फिर तो अपनी प्रतियोगिता में सब जीत जाएंगे, है ना दीदी? हाँ। अरे भैया, ये भूखे शेर की तरह इधर से उधर क्या कर रहे हो? है ना, उस कल के लौंडे की हिम्मत देख, मुझे मंगत को हुक्म देता है। जब बड़े सांप का हाथ उसके सर पर है तो किसकी क्या औकात। देख रही हूँ, तुमको नौकर बना के रख दिया। हाँ बहना, अब ये खेल तमाशा खत्म करना होगा, अब कोई फैसला करना ही होगा। अब छोटे मोटे फैसले से कुछ नहीं होगा, करना है तो कोई बड़ा धमाका कर। अरे भौजी, ये चद्दर वद्दर ही झाड़ती रहोगी, उधर भैनजियों की टोली इधर ही आ रही है। हाँ हाँ, तो आने देना, हम कौन से बिना तैयारी के बैठे हैं, पूरी खातिरदारी, खाना वाना। क्या हुआ? बट्टी साबुन। बट्टी साबुन? वो हाथ धोने की पीली बट्टी। अरे तुम लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई, ये क्या बट्टी बट्टी साबुन साबुन लगा रखा तुम लोगों ने। अरे बाबूलाल, तो फिर भूल गया ना। लेकिन अम्मा, अब क्या करें, आप तो नहाने वाले थे ना। अरे बस दिमाग से निकल गया। तू दे पैसे, दे, मैं अभी भाग कर लेके आता हूँ। और ये भी,
क्या हो रहा है? अरे शबनम दीदी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे घर आए। देर मत करियो, देर मत करियो। पूरी तैयारी दिख रही है। तैयारी? तैयारी का है कि सरपंच जी, ये तो बस ऐसे ही। चलो सलोनी, मुझे ओम का मातृ शिशु रक्षा कार्ड दिखा दो, जांच शुरू करते हैं। जी दीदी, अभी लाती हूँ। ये लीजिए, बैठो। ओम 9 महीने का हो गया है जी। अब खसरे का टीका, विटामिन ए, सब टीके लगवा दिए। अरे इसको नीचे क्यों बैठा रखा है? अभी कपड़े गंदे हो जाएंगे, खाट पर बैठाओ। वो 2 बार पहले ही खाट से नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पे इसलिए बैठाते हैं। इसे फिर घुड़कने के लिए भी काफी जगह मिल जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो सलोनी, बच्चे को सर पर चोट लगना अच्छा नहीं है, और वैसे भी अगर घर में निगरानी करने वाला कोई ना हो तो बच्चे को जमीन पर ही रखना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो खतरनाक चीजों से दूर रहे, जैसे चाकू, चूल्हा। अरे सलोनी, ये तो नीली पट्टी पर है। ये क्या चीज है? उम्र के हिसाब से जो वजन होना चाहिए उससे कम है, इस पट्टी से वजन का हिसाब पता चलता है। अच्छा 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 अच्छा, नीली पट्टी, इसका मतलब कि इसको पीली पट्टी पर होना चाहिए। सलोनी तुम बताओ, ओम को किस पट्टी पर होना चाहिए? हरी पट्टी पे। हरा रंग मतलब तंदुरुस्त बच्चा। अरे मैं वही तो परख रहा था कि बच्चे की माँ को पता है कि नहीं। अरे भाई प्रतियोगिता है, क्यों? चलो चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें ओम का ख्याल रखना चाहिए। इसे दिन में 5 बार खिलाओ। क्या क्या खाता है उसका ख्याल रखो। मसला हुआ केला, आलू, मसली हुई और उबली हुई सब्जियाँ, दाल। और हाँ, दाल तो इसे अलग से कटोरी में दो, ताकि पता चल सके कि इसने कितना खाया। हर महीने ओम को आंगनवाड़ी जरूर लाना वजन कराने। चलो जी, अब ये जांच वांच की बात तो बहुत हो ली, अब थोड़ा नाश्ता पानी कर ले हैं। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है चाची। अरे जरूरत क्यों नहीं है? है? अरे बच्चे की खुराक के साथ साथ बहनजियों की खुराक भी तो होनी चाहिए ना। अरे जा जा बाबू, जा नाश्ता लिया। अरे दौड़ के जा। देखो तो। अरे जल्दी ला रे। नहीं नहीं, मैं खा के आया हूँ। अरे देवा जी, थोड़ा और खा लो, वैसे HIV खाने पीने से नहीं फैलता। देवा जी, हाथ नहीं धोगे तो कोई और बीमारी हो सकती है। सलोनी हाथ धुला दो। जी चलिए, लेकिन वो सरपंच जी, हाथ मैं धुलवाती हूँ। ये रही पीली पट्टी।